मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करता हूं। मुझ पर गोलियां इसलिए भी चलाई जाएंगी क्योंकि मैं हिस्सेदारी की बात करता हूं। मैं संविधान के दायरे में रहकर जब ये बात करता हूं तो इन जालिमों को पसंद नहीं आता। पुलिस के सामने सवाल था कि पहला फायर किसने किया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग होते हुए तो दिखी लेकिन पहली गोली किसने चलाई इसका क्लू नहीं मिला। और दूसरा सवाल यह था कि अगर गोली चलानी थी तो फिर सामने की तरफ से क्यों नहीं चलाई गई, क्योंकि एक वक्त तो ऐसा था जब सचिन ओवैसी की गाड़ी के ठीक सामने मौजूद था, वो चाहता तो शीशे की तरफ गाड़ी के ऊपर वाले हिस्से की तरफ फायर कर सकता था, तो ऐसा क्यों नहीं है? अब इसका जवाब भी सामने आया। पुलिस को दिए बयान से ये खुलासा भी हुआ कि सचिन नहीं ओवैसी के ऊपर पहली गोली चलाई, जान से मारने के इरादे से गोली चलाई गई थी, जानबूझकर कार के निचले हिस्से पर फायर किया क्योंकि ओवैसी ने गोली चलाते हुए सचिन को देख लिया था। इस दौरान ओवैसी कार के नीचे की तरफ बैठ गए। गोली नीचे चलाने से ओवैसी को हिट हो सकती थी, इसीलिए सचिन ने बैक टू बैक तीन फायर की, जबकि शुभम ने भी पिस्तौल से एक राउंड गोली चलाई। हम दुनिया में जिंदा है तो अल्लाह के रहमो करम पर जिंदा थे, है और रहेंगे। गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया था। ये चार गोलियां चलाए हम पर, अल्लाह ने हमको बचाना था, मगर मैं उन लोगों को फिर से कह रहा हूं, मैं मौत से नहीं डरता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं डरता हूं। इस सब के बीच पुलिस को दोनों पिस्तौल के बारे में भी जानकारी मिली है। पता चला है कि जिन पिस्तौल से गोलियां चली वो मेरठ के किठौर की राधना गांव से खरीदे गए, कंट्री मेड। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान खुलासा हुआ कि सचिन ने आलिम नाम के शख्स से पिस्तौल ली थी। पुलिस ने आलिम को डिटेन कर लिया, लेकिन आलिम का कहना है कि सचिन और शुभम पिस्तौल किस मकसद से ले गए इसका उसे इल्म नहीं था। पुलिस को सचिन के पास से 9mm की पिस्तौल के साथ तीन खोखे भी बरामद हुए हैं, जबकि शुभम के पास .32 बोर की पिस्तौल के साथ एक खोखा मिला है। मुझे मालूम है कि इन तमाम जितने दुनिया में लोग आते हैं, अपनी माँ के पेट में पलकर जब दुनिया में आते हैं तो अल्लाह एक वक्त मुकर्र कर दिया हरेक का, और हम और आप जाएंगे इस दुनिया से, मगर याद रखो मैं मौत से नहीं डरता, ना मैं कत्ल करने वालों से डरता हूँ, ना तुम्हारी गोलियां मेरी आवाज को दबा सकेंगी, ना तुम्हारी ताकत मुझे तुम्हारे से तुम्हारे ताल्लुक से डर में खौफ पैदा कर सकेगी। यूपी पुलिस का कहना है कि शुरुआती तफ्तीश में फिलहाल इस घटना में किसी तीसरे की संलिप्तता नजर नहीं आई, लेकिन जांच जारी। पुलिस अब दोनों आरोपियों की कस्टडी की मांग करेगी। पुलिस को लगता है कि मुख्य आरोपी सचिन शर्मा ने ही इस पूरी घटना की प्लानिंग रची और अपने दोस्त शुभम को इसमें साथ लिया। लेकिन सवाल सिर्फ घटना का नहीं, बात कट्टरवादी सोच की है, रेडिकलाइजेशन की, क्योंकि इस तरह की सोच न सिर्फ समाज के लिए बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी बड़ा खतरा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।